फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी, इसका यूज़ करके आप अपनी स्किन को स्पॉटलेस बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और ब्राइट भी कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब हमारी किचन में हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं, तो हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% वर्क करती है। बस आपको इस रेमेडी को अभी रेगुलर यूज़ करना है, उसके बाद आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है कि आप चाहें तो एक बार बस आपने लगाया और आपको उसका रिजल्ट मिल गया। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, और जहाँ तक हो आप अपने फेस के लिए रेमेडी का ही यूज़ किया कीजिए, क्योंकि होम रेमेडी जो है बहुत अच्छी होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और आपकी स्किन जो है नेचुरली जो ग्लो आता है आपकी स्किन पर, नेचुरली जो आपकी स्किन अच्छी होती है वो हमेशा रहती है। मेकअप से तो हम थोड़ी देर के लिए अपने स्किन को, अपने फेस को अच्छा दिखा लेते हैं, बट बाद में फिर वो डल हो जाता है। तो आप भी अपने फेस के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ किया कीजिए। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इस रेमेडी को बनाने में किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है और हम इसको कैसे बनाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस रेमेडी को बनाने में सबसे पहले हमें चाहिए एक टमाटर, एक नींबू, और ये 100% प्योर आलमंड्स ऑयल है, ये पतंजलि से मैंने लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए शहद, तो मैंने ये पतंजलि का शहद लिया है। तो सबसे पहले हम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये छोटे साइज का बाउल ले लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे एक छलनी। और उसके बाद हम यहाँ पर टमाटर को कट करेंगे और हम इसका जूस निकालेंगे। हम इस तरीके से, अगर टमाटर से आसानी से जूस नहीं निकल रहा है तो हम इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसका जूस आसानी से निकल आएगा। और आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तरीके से आप भी टमाटर का जूस आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग एक बड़ा चम्मच टमाटर का जूस निकाल लिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर लेमन को कट करेंगे। और हम लेमन को यहाँ पर स्क्वीजर में डालकर, और अब हम लेमन का जूस निकाल लेंगे। हमने जितना टमाटर का जूस लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम एक चम्मच लेमन के जूस को हमने यहाँ पर इसमें निकाल दिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आलमंड्स ऑयल, हम यहाँ पर आधा चम्मच लगभग आलमंड्स ऑयल की डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हनी और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा ये फेस मास्क बनकर रेडी हो गया है, हम इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। तो हमारा फेस मास्क यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। और फेस मास्क लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अभी अपने फेस को वॉश कर लिया है, तो मैं अब इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर इस मास्क को लगाऊंगी। अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। आप
आप इसको पूरा नेक के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, तो मैं आपको इतना ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। और अब मैं इसको सूखने दूंगी, जब मेरा फेस बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करूँगी और उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। तो मेरा फेस मास्क बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैं अभी जा रही हूँ अपने फेस को अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और मैं अपने फेस को टॉवल से अच्छे से पोंछूंगी। बाद मेरे फेस पर एक ग्लो आ गया है। मैं इस रेमेडी को अक्सर यूज़ करती रहती हूँ, इसका रिजल्ट मेरे स्किन पर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी दिख गया है। और आप भी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ब्राइट हो, स्पॉटलेस हो, अपनी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन है उस पर जरूर क्लिक करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।